Stock Market Education, and Financial Services at Sanguin Capital. वेलकम टू सेंगविन कैपिटल. नाम है मेरा जयंत कुआत्रा और आज है हम मिस्टर शैलेंद्र कुमार के साथ, CIO एंड को फाउंडर ऑफ नार्नोलिया फाइनेंशियल एडवाइजर लिमिटेड. वेलकम सर और ऑन आवर चैनल. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी आपने बात करा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, ये सभी के सभी क्या है, फाइनेंशियल पैरामीटर है. नार्नोलिया के लिए नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, लाइक मैनेजमेंट क्वालिटी, मॉड्स, कॉम्पिटिशन, तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जिसकी तरफ नार्नोलिया सिक्योरिटीज का ज्यादा रहता है. सी अल्टीमेटली जो नॉन फाइनेंशियल्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं वो बेसिकली आउटकम ऑफ नॉन फाइनेंशियल्स हैं. फाइनेंशियल से नॉन फाइनेंशियल तैयार नहीं होते हैं, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन से फाइनेंशियल तैयार होते हैं. सो एनुअल रिपोर्ट जहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट होती है, वो कंपनी के लीडर्स ने और मैनेजर ने जो पूरे साल काम किया उसका परिणाम होता है. सो फाइनेंशियल इज ऑलवेज ए डिग्री यू नो आफ्टर द नॉन फाइनेंशियल इश्यूज. हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में बहुत क्लियर है कि हम किसी कंपनी को खरीदते हैं, जब हम परचेस करते हैं किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो के लिए, तो हमें हमारे एनालिस्ट को बिल्कुल समझाना होता है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड और सोसाइटी दैट दिस कंपनी इज एड्रेसिंग. उसके एड्रेस करने की वजह से ये रेवेन्यू कमा रहा है. तो पहला उसका बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाई द कंपनी इज मेकिंग मनी. सो कोई भी कंपनी का एग्जांपल हम जहन में ला सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं ये एक्चुअली पैसा कमा क्यों रहा है, व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग इन द बिजनेस एनवायरमेंट. सो पहला बात हो गया बिजनेस क्या कर रहा है, दूसरा बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, जो मैक्रो इश्यूज हैं, जो सोशल डेमोग्राफिक ट्रेंड हैं, वो कैसे इस बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं. सो बिजनेस और बिजनेस एनवायरमेंट रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. एक कहावत भी होती है कि ग्रेट मैनेजर भी हो और बिजनेस एवरेज टाइप का हो तो लास्ट में रिटर्न नहीं आता है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट द बिजनेस इज, व्हाट द बिजनेस एनवायरमेंट इज. और इसके अंदर में सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है. यू क्रिएट ए मोट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यू अंडरस्टैंड योर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बिजनेस में समझ में आ रहा है. दूसरी जो बात होती है बिजनेस के बाद होता है बिजनेसमैन, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी बिजनेस इज कंसीव्ड बाय ए लीडर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं, चेयरमैन एमडी कह सकते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि क्या मेरा प्रोडक्ट होगा, क्या मेरा प्रोडक्ट सेगमेंट होगा, क्या मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी, क्या मेरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी होगी. सो दूसरा पहला हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया बिजनेसमैन और तीसरे हो गए मैनेजर्स. अल्टीमेटली एवरी कंपनी हैज टू हैव ए प्रॉपर डेप्थ ऑफ पीपल हु कैन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ द बोर्ड सो दैट डिजायर्ड प्रॉफिट या डिजायर्ड डायरेक्शन कंपनी को प्राप्त होता रहे. तो ये तीन चीजें बड़ी अहम रहती हैं जहां पे बिजनेस है, बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेसमैन है और मैनेजर्स हैं उस कंपनी के अंदर में. और इन चारों का एक सही आकलन ही आपकी सफलता को अल्टीमेटली प्रभावित करता है. नंबर्स थोड़े बाद में आते हैं, नंबर्स एक तरह से वो है लाइक कोरिलेटिंग कि आपको जो दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे क्या नंबर उसको आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कई बार आपको ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे, ऐसे लीडर मिलेंगे, दे विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट दे आर प्लानिंग, बट उनके नंबर में वो चीज नजर नहीं आ रही है. और इसके साथ जो जरूरी होती है जो बेसिक हाइजीन होता है. सो यू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी कि जो बेसिक हाइजीन है, कंप्लायंस इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल्स के अंदर में जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है कि एक कंपनी है उसके पास पैसे तीन तरीके से आते हैं, या तो वो पैसे बाजार से रेज करता है या बैंक से एफडी लाता है. सो आईपीओ लेके आया, एफपीओ लेके आया या बैंक एफडी लेके आया, और तीसरा एक बड़ा सोर्स होता है रिटेन अर्निंग का. तो इन तीनों को जो मैनेजमेंट इस पैसे आने के बाद हाउ द मैनेजमेंट यूजेस द मनी, यू हैव टू हैव ए वेरी क्लियर हाइजीन फ्रेमवर्क कि वो कहीं भी कैपिटल मिस एलोकेशन तो करने का खतरा नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेसमैन, मैनेजर्स, यू लुक एट द बेसिक हाइजीन टू फिगर आउट कि कोई इवेंट रिस्क बड़ी ना हो कंपनियों में जहां आप निवेश कर रहे हो. ओके, तो मींस अगर मैं नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, मैं बोलूंगा कि नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फाइनेंशियल से भी, तो अगर मैं और तभी अगर मैं आपको स्केल करने के लिए बोलूं कि कितना हम स्केलिंग करना चाहेंगे लाइक 1 to 10 में नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर को, तो हम क्या नंबर देना चाहेंगे. सी इट्स लाइक ए पैरेटो रूल. अल्टीमेटली जो चीजें बाजार को प्रभावित करती हैं बाद में वो उनका फाइनेंशियल होता है. अच्छे रिजल्ट आ गए तो वैल्यूएशन रेटिंग हो जाती है, परंतु ये देखना पड़ेगा 80% जो कंपोनेंट है वो नॉन फाइनेंशियल है. 80% आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की, बिजनेसमैन की और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी की एंड कंप्लायंस इश्यू एंड अदर थिंग्स. वो चीजें ऑटोमेटिकली 20% उनके फाइनेंशियल्स में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैश फ्लो वहां रिफ्लेक्ट होती है और बाजार अकॉर्डिंगली फिर चलता रहता है. सो यू हैव टू हैव, इफ यू आस्क मी, ए बॉल पार्क 80% टाइम माई होल एफर्ट इज टू अंडरस्टैंड बिजनेस एंड द बिजनेसमैन. यू ऑल्सो मेंशन टू लाइक मैनेजर लेवल कि लाइक बोर्ड ने कुछ भी लाइक पॉलिसीज बनाया उसको मैनेजर लेवल ने एग्जीक्यूट किया एट नार्नोलिया, वी चेक ईच एंड एवरीथिंग,
कि लाइक व्हाट बोर्ड इज डूइंग, व्हाट मैनेजर्स, तो ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर वी आल्सो वर्क ऑन दैट लेयर आल्सो, मैनेजर वन, मैनेजर टू लेवल. सो लाइक व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन अ कंपनी, माय एनालिस्ट, जो टीम ऑफ एनालिस्ट है हमारी, दे ट्राई टू मीट एवरी स्टेक होल्डर इन दैट कंपनी. So before I become a minority shareholder of that company, I make sure who all are the stakeholders. So naturally the board is there, the promoters are there, the leaders are there, the managers are there, then the supplier. So we try to meet as many stakeholders as possible, get their view what is happening. So if you don't do that piece of the work, naturally, you know, कई बार क्या होता है शेयर मार्केट में फटाफट लाभ कमाने के चक्कर में कई बार प्रमोटर भी टेम्प्टेड हो जाते हैं एंड दे क्रिएट सिचुएशन जो बाजार में उनकी रिलेटिंग हो जाए. हमें इससे बचना होता है और बचने का तरीका यही होता है कि हम बिल्कुल कंपनियों से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर से हम मिलें और उनकी परस्पेक्टिव लेकर के हम खुद का आकलन करें कि कितना बेट करना चाहिए यहाँ पे. और रिटेलर के पास ये सारा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि दे कैन गो, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट से जाके मिलेंगे तो जो रिटर्न है उनकी ऑलमोस्ट कोस्ट में ही चली जाएगी जो उनका करेंगे. हाँ तो ठीक है, तो इससे मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट कि लाइक एट नार्नोलिया वी आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द रिटेलर प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. कई बार क्या होता है कि निवेशक थोड़े से टेम्प्टेड होते हैं, एक आध स्क्रीन यूज कर लिया कि जिसका ऐसा हो रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसको खरीद लें. थोड़ा सा सी व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप सम इंडिविजुअल इन्वेस्टर मे बी इज फाइन बट इट्स अ लर्निंग कर्व. अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट योर ओन मोट, योर ओन कॉम्पिटेटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और उन एरियाज में प्रॉपरली आकलन करना. अल्टीमेट जब हम कोई शेयर खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली हम एक पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके प्रमोटर के साथ, और पार्टनरशिप आप बिल्कुल एक आध नंबर के आधार पर करना पसंद नहीं करेंगे. यू हैव टू हैव ए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. ठीक है.